अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वीडियो मेरे सामने आई, जिस वीडियो में कुरला का एक जाहिल मुफ्ती है, जो मुनाजरे में भी हमारे सामने आया था, है ना, कूफी, है ना, उस कूफी ने हैदराबाद में कहीं जाकर कहा कि लोगों के पेट में मरोड़ हो रही है, यानी पेट में तकलीफ हो रही है, इसलिए हो रही है कि ये खान जो है वो सैयदों से आगे निकल गया। सैयद हो के पीछे, वो खान हो के आगे, लोगों को जलन हो गई, पेट में मरोड़ उठ गई, मरोड़, खान हो के आगे बढ़ गया। नज़मी नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, है ना। मौलाना अहमद रजा जब अपनी जिंदगी में हयात में थे, तो उनके पीर ने उनको कहा कि हमारे इलाके में बहुत चोरी हो रही है, तो एक काम करो, दो आला नस्ल के जरा कुत्ते ले आओ जो इस खानका की रखवाली करें। कुछ दिन बाद मौलाना अहमद रजा खुद अपने दोनों बेटों को लेकर गए और अपने पीर के आगे पेश किया, कहा सरकार इनसे अच्छे आला नस्ल के कुत्ते नहीं मिलेंगे। ये जुमला खुद सिप्टेन हैदर जैदी मेहरा शरीफ वाले ने अपने बयान में कहा है। इंसान थे, उन्होंने कहा, और इनको हमारे यहाँ बड़े मौलवी कहा जाता है। कहने लगे बड़े मौलवी साहब, आजकल माधेरा में चोरी बहुत हो रही है, और मैंने सुना है कि साहब घर के तहफ़ के लिए बरेली के कैंट में बहुत अच्छी नस्ल के कुत्ते मिलते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप जो है दो कुत्ते वहां से ले आइए, और ताकि खानकाह की जो है वो हिफाजत की जा सके, वो पहरा दें। तो दूसरे दिन आपने कहा ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म, और ये कह के आप बरेली तशरीफ ले गए। अगले दिन मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना हामिद रजा खान साहब अपने दोनों बेटों को लेकर आए, दोनों के कंधों पे हाथ रखा, छोटे छोटे से थे वो दोनों। स्वर कह लगे मौलाना आप लेके आए हमारे लिए कुत्ते? कह लगे हुजूर ये दो अच्छी नस्ल के कुत्ते मैं आपकी खानकाह की हिफाजत के लिए लेके आया हूँ, है ना। यानी और पहली बात तो खुद मौलाना अहमद रजा फाजली बरेलवी का एक अशार है कि मैं क्या, मेरी औकात क्या, ए रजा मुझसे तो कुत्ते हजार फिरते हैं। आका नबी करीम की बारगाह में ये अशार उन्होंने पढ़ा था कि मेरी कोई औकात नहीं है, मुझसे तो कुत्ते हजार फिरते, अपने आप को उस दर का कुत्ता कहा। मगर आज उन्हीं के ये मानने वाले मुफ्ती, आलिम, हाफिज, कारी, ये इतना आगे बढ़ चुके हैं नासबियत और खारजियत में, बुक्स में इतना आगे बढ़ चुके हैं, हमको मौलाना अहमद रजा से कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, और ना तो हमने मतलब कि ठेका उठा रखा है कि हम मौलाना अहमद रजा की बुराई करेंगे। मगर जो उनके इस दौर के मानने वाले हैं, वो लोगों ने मसलक के नाम पर जो धांधली मचा रखी है, मसलक के नाम पर जो लोगों को गुमराह कर दिया है, मसलक के नाम पर जो लोगों को भटका रहे हैं, मसलक के नाम पर जो सुन्नियत को ये लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया है, हम उसका जवाब देते हैं। मगर लोगों को हमारा मैसेज उल्टा पहुँचाया जाता है कि देखो ये मौलाना अहमद रजा के खिलाफ बात करते हैं। हमारा मौलाना अहमद रजा का कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं भैया, ना हम मतलब कि रिजवी हैं, ना हम उनके सिलसिले के हैं, दूर दूर तक हमारे सिजरे में उनका कोई नाम नहीं है, हमारे सिलसिले में उनका कोई नाम नहीं है, हमको उनसे क्या लेना देना। वो जो मौलवी थे, जो कुछ थे, वो अपनी जगह पे थे, मगर आज जो उनके नाम पे धांधली की जा रही है, उनके नाम पे जो दहशत किया जा रहा है, उनके नाम पे जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अब ये जुमला देखो क्या बोल रही है कि सैयदों से आगे निकल गए, इसलिए पेट में मरोड़ हो रही है, पेट में तकलीफ हो रही है। इस जाहिल को ये नहीं मालूम है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से कहा कि जो मिंबर पे खड़ा है वो हमारा गुलाम है और तू हमारे गुलाम का बेटा है। उन्होंने जब जाके अपने बाप हजरत उमर को कहा, तो हजरत उमर ने कहा लिखवा के लेके आओ, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे सीने पर रख देना, ये मेरे लिए जन्नत की जमानत। सैयद सादात, जो सैयदों के जद है, मौला हसन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से खलीफा दुअम ने गुलामी लिखा कर अपने सीने पर लेके जाने को अपने बच्चों को कहा, लिखा के लेके आओ, यही मेरे जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है, है ना। एक दिन आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को कंधे पे लेके जा रहे थे, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या खूबसूरत सवारी है, है ना। आका हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब कंधे पर बैठा हुआ देखा तो आपने फरमाया क्या खूबसूरत सवारी है, नबी किसी की सवारी बने हुए। मेरे नबी पाक ने फरमाया कि अबू बकर ये देखो कितना खूबसूरत सवार है, यानी बैठा भी जो है वो कितना खूबसूरत है, है ना। और याद रखना वो लोग जिनको मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है अय उमर इस मिंबर से नीचे उतरो, ये तुम्हारे बाप का मिंबर नहीं, मेरे नाना का मिंबर है। हज़रत उमर कांपते हुए उतरे और उन्होंने अपना इमामा उठा के आका हुसैन के कदमों में रख दिया और फरमाया कि मेरे जिस्म पे जो इज्जत के बाल है हुसैन, तुम्हारे कदमों की मेहरबानी।
हमारे जो असलाफ थे, हमारे शेखाइन थे, उनका ये तरीका था कि इमाम हसन इमाम हुसैन की गुलामी अपने सीनों में लेकर गए और उन्होंने कहा कि हम आपके गुलाम, आपके जद के गुलाम हैं, है ना, और हमारे जिस्म पे जो ये बाल हैं ये आपके आपके कदमों की मेहरबानी है। और देखो ये एक दो टके का मौलवी ये बोल रहा है कि मौलाना अहमद रजा सैयदों से आगे निकल गए। अरे सैयदों से आगे जो निकल जाएगा वो यजीद हो जाएगा, सैयदों से जो पीछे रहेगा, सैयदों से जो हार जाएगा वो जुनेद बगदादी हो जाएगा, सैयदों की जो गुलामी कर लेगा वो हज़रत सलमान फारसी अहले बैत में आ जाएगा, जो सैयदों के आगे घुटना टेक देगा वो हुर से हुर अले सलाम हो जाएगा, वो जन्नती जन्नत बांटने वाला हो जाएगा, है ना। तो कम से कम अल्लाह के वास्ते सैयदों की तौहीन मत करो। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा फिरका अगर तुमको यही सब सिखा रहा है कि सैयदों सादात की ताजीम ना की जाए, सैयदों से मौलाना अहमद रजा को आगे बढ़ा दिया जाए, आज मौलाना अहमद रजा की रूह को भी सुकून नहीं मिलता होगा तुम्हारे ऐसे ऐसे जुमले, तुम्हारी ऐसी ऐसी बातें, तुमने इतना मसलक का। मौलाना अहमद रजा ने कभी नहीं कहा कि मेरा नया मसलक है, मैं मसलक बना के जा रहा हूँ, मगर तुमने एक नए मसलक का इतना प्रचार कर दिया, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, एक नया मसलक लेके आ गए। जब चार मुसल्ले हक पे थे तो पांचवा लाने की जरूरत नहीं थी, है ना। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने सैयदों से आगे बढ़ा दिया। कायनात में सैयदों से आगे कोई नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा हुसैन जन्नत का सरदार है, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, बात खत्म, सबको जन्नत में जाना है। उन सबके सरदार हसन हुसैन है, माँ फातिमा है, मौला अली मुश्किल कुशा, और यही सैयद सादात है। अब इनसे आगे दुनिया में कोई नहीं जा सकता। इनके बच्चों की जिसने गुलामी कर लिया वो जन्नती हो गया। मेरे नबी ने फरमाया जिसने मेरे सैयद सादात की ताजीम की, मेरे सैयद का अदब किया, उसको मैं अगर दुनिया में उसका सिला नहीं मिल पाया तो मैं मैशर में दूंगा। हाँ, मेरे नबी ने अपने औलादों के लिए इतना तक कह दिया। और दूसरी बात, एक बात याद रखो, कुरान का पन्ना अगर फटके नौज बिल्ला गटर में गिर जाए तो उसको धोने के बाद वापस कुरान में रखा जाता है। सैयद सैयद है, सैयदों से आगे कोई नहीं बढ़ सकता, है ना। ऐसे जुमलों से बचो। अगर तुम्हारा मसलक, तुम्हारा फिरका यही तुमको सिखा रहा है तो याद रखना तुम्हारे सीखने पर लानत, तुम्हारे सिखाने पर लानत। रहेगी बात कि जो मौलाना अहमद रजा का मिशन था तुमने उस मिशन को ख़त्म कर दिया। आज बरेलियत लोग इसीलिए छोड़ रहे हैं, आज तुमसे दूर इसीलिए हो रहे कि तुमने सुन्नियत को बर्बाद कर दिया। हम तो भाई बरेली नहीं है ना, हम बरेली थे, हम तो चिश्ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के मानने वाले हैं, गौसे पाक के मानने वाले हैं, वारिस पाक के मानने वाले, औली अल्लाह के मानने वाले, ना हम तुम्हारे सिलसिले में हैं ना तुम्हारे सिलसिले में मुरीद थे। हमारा सिलसिला गरीब नवाज, हमारे लिए गरीब नवाज काफ़ी है, हमारे लिए गौसे पाक काफ़ी है, हमारे लिए वारिस पाक काफ़ी है, वो हमारे लिए बस हो गया जन्नत में जाने के लिए। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया जब तक एक एक चिश्ती जन्नत में नहीं जाएगा मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा, जो चिश्ती हो गया वो बहिश्ती हो गया। मेरे सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि जब तक मेरा एक एक चाहने वाला जन्नत में कदम नहीं रख दे मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा। तो हमारे लिए उनका सहारा काफ़ी, हमको किसी की ज़रूरत नहीं। मगर अगर तुमको ज़रूरत है तो तुम अपने लोगों की ये जो बात का उल्टा बता रहे हो। अब देखो सैयद व सादात से आगे तूने ये जुमला कहा और ये भी बोल रहा है ऊपर से फ़कर से तू कि अगर ये आगे बढ़ गए तो लोगों को पेट में मरोड़ हो रहा है ना उस बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। सैयदों से आगे कौन बढ़ सकता है और क्यों किसी के पेट में कोई तकलीफ होगी? ऐसे ना जाने कितने औलिया अल्लाह है जिनके मुरीद सैयद रहे हैं, जिनके खलीफा सैयद रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग थे। कितने औलिया अल्लाह जो सैयद नहीं थे, मगर इसका यह मतलब नहीं कि उन्होंने ये कहा कि हम सैयदों से आगे बढ़ गए, नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह। कभी उन लोगों ने नहीं कहा, यह जुमला कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सब जानते कि रसूल की आल, रसूल की औलाद से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है।